वन नेशन वन इलेक्शन, हर 15 साल में सिर्फ ईवीएम पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अगर एक साथ कराए जाते हैं तो हर 15 साल में सिर्फ ईवीएम पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शनिवार को केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर इस बात की जानकारी दी है। चुनाव आयोग ने बताया कि ईवीएम की शेल्फ लाइफ 15 साल ही होती है। यदि एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो मशीनों के एक सेट का इस्तेमाल 3 बार चुनाव कराने के लिए किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा के लिए अलग अलग मशीनें लगेंगी। आयोग ने सरकार को बताया चुनाव के लिए ईवीएम का गणित। अनुमान के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पूरे भारत में कुल 11.80 लाख पोलिंग बूथ बनाने होंगे। हर बूथ पर ईवीएम के 2 सेट लगेंगे, एक लोकसभा और दूसरा विधानसभा के लिए। वोटिंग के दिन डिफेक्टिव मशीनों को रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल यूनिट CU, वैलेट यूनिट BU और वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल मशीनों को रिजर्व रखना होगा। फरवरी 2023 में चुनाव आयोग ने कहा था कि एक साथ चुनाव करवाने के लिए कम से कम 46,75,100 वैलेट यूनिट, 33,63,300 कंट्रोल यूनिट और 36,62,600 वीवीपैट की जरूरत होगी। आयोग के मुताबिक 2023 की शुरुआत में एक ईवीएम की टेंटेटिव कॉस्ट लगभग 30,000 रुपए थी। इसमें 7,900 रुपए प्रति वैलेट यूनिट, 9,800 रुपए प्रति कंट्रोल यूनिट और 16,000 रुपए प्रति वीवीपैट की शामिल थे। अक्टूबर 2023 में कहा था तैयारियां पूरी हुई तो 2029 में हो सकेंगे एक साथ चुनाव। अक्टूबर 2023 में सामने आई कुछ खबरों में यह दावा किया गया था कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए चुनाव आयोग को 30 लाख कंट्रोल यूनिट्स, करीब 43 लाख वैलेट यूनिट्स और करीब 32 लाख वीवीपैट की जरूरत होगी। इसमें उन चीजों को रिजर्व में रखना भी शामिल है जिससे खराबी आने पर यूनिट को बदला जा सके। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया था कि अभी 35 लाख वोटिंग यूनिट्स की कमी है। इसी ने चुनाव के लिए एक्स्ट्रा पोलिंग और सिक्योरिटी पर्सनल्स की बात पर जोर दिया था। इसके साथ ही ईवीएमएस के लिए स्टोरेज सुविधा और ज्यादा वाहनों की बात भी कही थी। इसी ने कहा था कि नई मशीनें, स्टोरेज फैसिलिटी और लॉजिस्टिकल मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हम देश में एक साथ चुनाव 2029 में करा सकते हैं। क्या है वन नेशन वन इलेक्शन? भारत में फिलहाल राज्यों की विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हों, यानी मतदाता लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय पर या चरणबद्ध तरीके से अपना वोट डालेंगे। आज़ादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गईं। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। सरकार ने बनाई है 8 सदस्यों की टीम। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए 8 सदस्यीय एक कमेटी बनाई है। इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। दिल्ली के जोधपुर ऑफिसर्स हॉस्टल में 23 सितंबर को हुई कमेटी की पहली बैठक में फैसला हुआ था कि इस मुद्दे पर मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के विचार किए जाएंगे। इस मुद्दे पर सुझाव देने के लिए लॉ कमीशन को भी बुलाया जाएगा। अभी क्या संभावना बन रही है, एक देश एक चुनाव लागू करने के लिए कई राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल घटेगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में हाल ही में चुनाव हुए हैं, इसलिए इन विधानसभाओं का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाकर जून 2029 तक किया जाएगा। उसके बाद सभी राज्यों में एक साथ विधानसभा लोकसभा चुनाव होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।